हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरजीत बायोलॉजी ट्रिक्स, बायोलॉजी मेड इजियर। आज हम बात करेंगे दुनिया में पाए जाने वाली जो भी फॉल्स फिशेस हैं, जो भी जिनके नाम के आगे फिशेस लगता है लेकिन वो फिश नहीं है, उनके बारे में बात करेंगे और उनका क्लास भी बताएंगे आपको, जो कि आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो दोस्तों आइए खेलते हैं। आइए बात करते हैं दुनिया में जितनी भी फॉल्स फिशेस पाई जाती है उनके बारे में। तो उसको उस ट्रिक को याद करने से पहले कहानी बताऊंगा मैं कि किसी राक्षस को पिंजरे में कैद कर दिया गया था और उससे पूछा जा रहा था, बताओ स्टार कहाँ है, तारा कहाँ है। कोई जादुई तारा रहा होगा, उसको उसने पूछा कि कहाँ है, तो वो नहीं बता पा रहा था। लेकिन जब उसे बहुत कसके भूख लगी, उसने क्या, उसने जाली तोड़ के चिल्लाया कि भैया तारा जो है टोकरी के अंदर है। कहाँ है, टोकरी के अंदर। इतनी बात याद रखना है कि जब वो डेविल था वो जोर से चिल्लाया कि तारा कहाँ है, टोकरी में। बस इतनी बात याद करेंगे, हमारी पूरी ट्रिक याद हो जाएगी, इससे सारी की सारी फॉल्स फिशेस हमें याद हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं। चांदी का तारा टोकरी में है, टोकरी में है। चांदी मतलब क्या हो जाएगा, चांदी को इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर, तो ये हो जाएगा सिल्वर फिश, सिल्वर फिश। ठीक है, उसके बाद तारा हो जाएगा, तारा स्टार बोलते हैं तो स्टार फिश। टोकरी, टोकरी मतलब बास्केट होता है, हो जाएगा बास्केट फिश, बास्केट फिश। और है मतलब हो जाएगा हैग फिश, ये हो जाएगा हैग फिश। तो सिल्वर फिश, स्टार फिश, बास्केट फिश, हैग फिश, ये सारे के सारे हो गए। इनका दूसरा नाम बात करेंगे, सिल्वर फिश को बोलते हैं लेपिस्मा, लेपिस्मा। मैंने बताया था ये पुरानी किताबों में मिल जाएगी और ये ऐसी करके स्ट्रक्चर होता है, सिल्वर कलर की होती है, हमारे पुराने रद्दी बुक्स कॉपीज में आपको देखने को मिलेगी। तो ये आर्थ्रोपोड है, ये फिश नहीं है। फिर उसके बाद स्टार फिश को बोलते हैं एस्टेरियास, एस्टेरियास। और बास्केट फिश को बोलते हैं गॉर्गोनो, गॉर्गोनो सिफेलिया, सिफेलस, गॉर्गोनो सिफेलस, गॉर्गोनो सिफेलस बोलते हैं। उसके बाद हैग फिश को बोलते हैं मिक्सीन, इसको बोलते हैं हैग फिश को मिक्सीन। तो ये हो गया। आगे बात करते हैं, जाली काट डेविल चिल्लाया, जाली को काट करके डेविल चिल्लाया, तो लिख लेंगे जाली, जाली काट डेविल चिल्लाया, जाली काट डेविल चिल्लाया। आगे की लाइन थी, आगे की कहानी थी, डेविल तो चिल्लाया रहा। तो देखें जाली मतलब क्या होता है, जेली। तो ये हो जाएगा क्या, जेली फिश, जाली ऐसा लग रहा है, जाली जेली बराबर है, तो ये हो जाएगा जेली फिश। काट हो जाएगा कटल फिश, कटल, कटल फिश हो जाएगा। डेविल आप जानते ही हैं, डेविल फिश, डेविल फिश। और चिल्लाया मतलब इंग्लिश में बोलते क्राई, तो क्रे फिश, क्रे फिश, क्रे फिश, क्राई मतलब चिल्लाना, तो ऐसे क्रे क्राई, क्रे क्राई से राइमिंग लग रहा है, तो क्रे फिश हो जाएगा। अब इसको इसका साइंटिफिक नेम देंगे, जेली फिश को बोलते हैं, जेली फिश को बोलते हैं ऑरेलिया, ऑरेलिया बोलते हैं, ऑरेलिया बोलते हैं, जेली फिश को ऑरेलिया बोलते हैं। उसके बाद कटल फिश को सेपिया बोलते हैं, सेपिया। डेविल फिश सब जानते हैं आप लोग, ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश, ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश। और क्रे फिश को बोलते हैं पैलियमॉन, झींगा मछली आपने खाया जिसे झींगा झींगा बोलते हैं, झींगा को पैलियमॉन बोलते हैं, पैलियमॉन। अगर ये सीक्वेंशली आपको याद है और आपको साइंटिफिक नेम नहीं याद हो रहा, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, जो हमारा थॉर है वो कहाँ रहता है, एसगार्ड में रहता है, तो एसगार्ड का नाम याद कर लेंगे। और सभी वहाँ पर 8 प्लेयर्स होते हैं जो कि उसके हथौड़े से गेम खेलते हैं, तो सारे 8 प्लेयर के बारे में आप जानते हैं। तो उसको याद करने का तरीका क्या, ले एसगार्ड, ले एसगार्ड, गार्ड ये हो गया, ऐसे हो गया, ले एसगार्ड में आओ, आओ ऑरेलिया, आओ सीपिया, सभी
सभी ऑक्टोपस आर्ट पैलियोमॉन प्लेयर्स, तो याद कर लीजिए, भी अच्छा रहेगा। ले एस गार्ड में आओ सभी आर्ट प्लेयर्स, तो ये हो जाएगा ले मतलब लेपिश्मा, एस गार्ड मतलब एस्टीरियस, और गर्गनोसिफेलस में मतलब मिक्सीन, उसके बाद ऑरेलिया मतलब आओ, सीपिया सभी ऑक्टोपस आर्ट पैलियोमॉन प्लेयर्स। ठीक है, अब हम बताएंगे कि कौन कौन से फाइलम से ये बिलोंग करते हैं। तो देखिए, ये क्लास है सिल्वर फिश, मैंने अभी बताया था आर्थ्रोपोड, ये आर्थ्रोपोडा का है, और इसका क्लास जो होता है वो इंसेक्टा, इसका क्लास इज इंसेक्टा, इंसेक्टा का है, और ये फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा का है। एस्टेरियस होगा दोस्तों इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा का है ये फाइलम, इसका इकाइनोडर्मेटा, और गार्गोनोसिफेलस भी इकाइनोडर्मेटा फाइलम का ही है, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये आगे मिक्सीन आ जाएगा, ये है साइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोमा मतलब जिनके मुंह होते हैं वो माउथ होते हैं वो सकर होते हैं, सकर टाइप में होते हैं, इसलिए साइक्लोस्टोमा में आता है ये फाइलम। उसके बाद जेलीफिश है सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा ये मोलस्का लिखा हुआ पहले से, ये भी मोलस्का, ये भी मोलस्का। उसके बाद लास्ट वाला पैलियोमॉन, ये आर्थ्रोपोड का, झींगा मछली आपने देखी होगी, ये आर्थ्रोपोडा फाइलम का है। तो इससे हमें पता चल गया सारे के सारे फाइलम और सारे के सारे साइंटिफिक नेम और सारे के सारे कॉमन नेम। तो ये होगी हमारी सारी की सारी फॉल्स फिशेस जो भी हमारे एग्जामिनेशन में आती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रहा हो प्लीज़ अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।